हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू लर्न। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ जो पटवारी भर्ती निकली है 2019 की, उसके लिए जो अभी न्यूज़ आई है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू लर्न को सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं, मेरे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें बताया गया है, जो हमारे राजस्व मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि 3,750 पटवारियों की जो भर्ती होगी वो जल्द ही होगी। और इस न्यूज़ को अपन सही से देख लेते हैं। इसमें बताया है, मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्व कर्मी सरकारी ज़मीन की सुरक्षा एवं उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। ज़मीन जिस रूप में दर्ज है उसी रूप में उसका उपयोग हो। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त योग्य नहीं है। राजस्व कर्मी अपने मूल कार्यों पर ध्यान दे तथा धारा 91 के तहत शक्तियों का पूरा उपयोग करे। राजस्व मंत्री बुधवार को एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पटवारियों की जो भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है तथा राज्य को 3,750 पटवारी शीघ्र ही मिलेंगे। पटवारियों से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति भी की जा रही है। वरिष्ठ राजस्व निरीक्षकों से नायब तहसीलदार के 100% रिक्त पद भरे जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि न्यूज़ में बताया गया है, जो हमारे राजस्व मंत्री हैं हरीश चौधरी, उन्होंने बताया है कि 3,750 पटवारियों की जो भर्ती है वो जल्द ही आने वाली है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है, जल्द ही जारी होगा। और जो इसकी प्रवेश भर्ती प्रक्रिया है वो अभी अंतिम चरण में है, तो वो प्रक्रिया पूरी होते ही इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए खुशखबरी थी कि 3,750 पटवारियों की जो भर्ती है वो जल्द ही आने वाली है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू लर्न से जुड़े रहिए और उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।